अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते हो, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो, उसके रीजन आपको पता चल जाएंगे। आप इस लोग को बिना स्किप करे पूरा देख लेना। हैप्पी बर्थडे। आ जाओ पापा यहाँ आ जाओ। आप ये हेड ऑफ द फैमिली की चेयर है और वो आप हो, बागवान याद है ना। और आप सोच रहे होंगे ना कोई मिसिंग है, कोई है नहीं साथ में, तो उसका रीजन मतलब आपको बता देता हूँ, मम्मी नहीं है साथ में, तो उसका रीजन। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस आज है 4th October है। आज आपके फेवरेट रॉकी अंकल मतलब मेरे पापा मतलब बापू जी का जन्मदिन है, बापू जी का बर्थडे है। आज का जो प्लान है ना वो सरप्राइज है, पापा के लिए बहुत सारे हैं, वो कंटिन्यू एक दो दिन चलेंगे। आज सबसे पहले तो नवमी है, तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे ओकेशन पे। उसके बाद है पापा का बर्थडे है। आप जो पापा को बर्थडे विश कर रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार करते हो पापा से, तो आपके बर्थडे विशेज वगैरह देख के ना पापा बहुत खुश होते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ सेलिब्रेट कर लेता हूं। और दूसरी एक और चीज आता है, एक और ओकेशन है, आज ट्यूजडे है और ट्यूजडे को मैं बहुत स्पेशल बाकी वीक डेज से बहुत स्पेशल मानता हूं। आप सबको पता होगा बिहान काफी टाइम से बीमार था, तो मैंने उसके लिए कुछ विश मांगी हुई थी। मैंने बोला हुआ था कि जैसे ही बिहान की रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं, रिकवर हो जाता है, तो एक जगह जाएंगे हम, वो आपके लिए सरप्राइज है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा हम कहां जा रहे हैं। तो आज सारे ही ओकेशन साथ में होने वाले हैं और इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत धमाकेदार होगा, बहुत डिफरेंट स्टाइल में होगा, तो वीडियो में बने रहना। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं, पापा को कॉल कर दिया, पापा निधि बिहान मम्मी सारे रेडी हो रहे होंगे वहां पे, उसको पिक कर लेते हैं और उसके बाद आपको सरप्राइज दिखाता हूँ आज कहां जा रहे हैं। अभी तो पापा भी रेडी हो चुके होंगे मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कल जो है ना आज का वीडियो बर्थडे व्लॉग सेलिब्रेशन का हो जाएगा और जल्दी ही पापा को एक दो दिन में जैसे भी टाइम मिलता है पापा को साथ ही लेके जाऊंगा, पापा की पसंद से ही लेंगे जो भी गिफ्ट होगा। और आप भी आइडियाज देना है, आप भी बताना क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें ले सकते हैं। तो गाइस देख लो विहान भी आ चुका है, निधि भी आ चुका है और पापा भी आ चुके हैं, तो पापा को एक बार बर्थडे विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। अच्छे से उतर के विश करता हूँ आपको, अभी एक बार चलते हैं, लेट हो रहे हैं थोड़ा सा। जिसमें देख लो गाड़ी निकालते ही लो फ्यूल का इंडिकेशन भी आ गया और पंप सामने ही, एक बार तेल डलवा लेता हूँ क्योंकि आज बहुत जगह जाना है, 1000 का ही कर देना एक बार। लो भैया थैंक यू। ऑलमोस्ट ना अभी आधा घंटा हो चुका है ड्राइव करते हुए, अभी आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। आज हो सकता है भीड़ ज्यादा होगी क्योंकि मंगलवार भी है और नवमी भी है। यहाँ लगा देता हूँ उस साइड, वहाँ लगा देते हैं, चलो पार्किंग में। गाड़ी में ही उतार लो ऊपर चप्पल वगैरह, ध्यान से उतरना, उस साइड कांटे वगैरह हो सकते हैं और विहान को तो चलो गोद में ले लेंगे, इसी में उतार दिया तू भी गाड़ी में ही। अभी मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ पे आए हुए हैं। हम आए हुए हैं गाइस काजला धाम में, यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। जब पहले बीमार हुआ था ना, पिछली बार विहान बीमार हुआ था, उस टाइम पे मांगा हुआ था विहान के लिए कि जल्दी ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आएंगे एक बार धोख मारने। तो आज पापा का बर्थडे भी था, तो दोनों काम हो जाएंगे, विहान के लिए भी ब्लेसिंग्स मांग लेंगे और पापा के लिए भी। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो जहाँ पे हम आए हुए हैं ना, जो हमारा घर है वहाँ से ऑलमोस्ट 25 से 28 किलोमीटर होगा, 25 से 28 किलोमीटर। और यहाँ पे मैं पैदल आया था जिस टाइम पे विहान सबसे पहले बीमार हुआ था ना, उसके जॉइंटिक्स हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने मांगा हुआ था विहान के लिए, तो यहाँ पे यहाँ तक मैं पैदल आया था विहान के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे ना तैयारियां चल रही हैं, कल दशहरा है ना, तो अच्छे से अभी सजा रहे हैं। आ जाओ पापा एक बार प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, आ जाओ वहाँ मिलेगा, आ जाओ। 101 रुपए की ये कर देना बर्फी कर देना और 51 रुपए का बूंदी दाना कर देना, एक बर्फी अलग से दे दो एक बार निकाल के दे दो। लो ये काट लो, थैंक यू। आरती का क्या टाइम होता है यहाँ? 7:30 अभी तो चलो टाइम है। हेलो, चलो चलते हैं अंदर, सही टाइम पे आ गए, एक बार ये विहान थोड़ा खा ले, आप भी मत्था टेक लेना यार, आपको आज लेके आए हैं यहाँ पे काजला धाम। विहान के भी विहान के जय श्री राम पंडित जी।
ये देख रहा है यार विहान यहाँ पे भी भाग रहा है। ओ भाई रुक जा, ओ बजरंगी विहान। आरती हो चुकी है और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और विहान के लिए जो मांगा था वो पूरा हो चुका है। अभी एक बार चलते हैं जल्दी से, विहान को कुछ खिला देते हैं क्योंकि उसके बाद उसको दवाई लेनी होती है। तो चलते हैं अभी एक बार जल्दी से। पापा जल्दी बताओ अब चलना कहाँ पे है? इसमें गोविंद पे पक्का देख लो अगर चलना है तो, या तो फिर वहाँ, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचना विहान सो जाएगा और उसके फिर दवाई का टाइम हो रहा है। फिर एक बार इस पे ही चलते हैं। केक बताओ, केक कौन से फ्लेवर का लेना है? अरे मानो 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 होता है एक शगुन सा ही होता है, शगुन नाम की एक चीज होती है। बताओ कौन सा लाऊं? नहीं थी तू बता कौन सा लेके आऊँ जो विहान पे खा ले। चॉकलेट ठीक है चलो वो लेके आता हूँ। बस एक बार केक ले आता हूँ फिर इतने जाते ही सबसे पहले ऑर्डर दे देंगे। भैया केक दे दो एक। कितने पाउंड में है ये वाले जो हैं? ये हाफ के जी में। ये हाफ के जी में है तो इनमें से आपने एक बढ़िया सा करवा दो। चॉकलेट फ्लेवर में कौन कौन से हैं इनमें से? ओरियो है। ओरियो कौन सा है बता रहे हो आप? ये वाला फर्स्ट नंबर पे ओरियो। ये ओरियो है और बटर स्कॉच में? ये फर्स्ट नंबर पे ये वाला बटर स्कॉच है। इस पे डेकोरेशन हो जाएगी ना, कैंडल वगैरह तो लग जाएगी ना? तो आप यही वाला कर दो, चॉकलेट में ये वाला करवा दो जल्दी से। दो कैंडल दे देना और जो है नाइफ वगैरह इसमें डाल दिया आपने, कैंडल्स वगैरह और वो नाइफ वगैरह। ओके ओके कितने हो गए भैया? 450। ओके ओके लो आप काट लो एक बार। ठीक है थैंक यू। मैं केक वगैरह ले चुके हैं, आप जल्दी चलते हैं केक वगैरह कट करा देते हैं क्योंकि विहान भी भूखा है यार। चलो यार पहुंच गए आप जल्दी से ना, जल्दी एक बार ऑर्डर सोच लो क्या क्या खाना है क्योंकि वो ऑर्डर देने बनाने में भी टाइम लगेगा। घूम फिर के ना आखिरी में वहीं आ गए गोविंद ढाबा। चलते हैं जल्दी से खाना वाना ऑर्डर कर लेते हैं। आ जाओ पापा यहाँ आ जाओ आप, ये हेड ऑफ द फैमिली की चेयर है और वो आप हो बागवान याद है ना। चलो इतने आप केक काट लेते हैं। एक सेकेंड इस पर वो लगा देता हूँ, निकाल लो बाहर ही निकाल लो एक बार। लो ये यहाँ लगा देता हूँ एक बार। हैप्पी बर्थडे का विहान को ना भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, लेट हो गया अभी बिस्किट वगैरह खा रहा है। जल्दी केक कट कर लेते हैं फिर विहान को खिलाते हैं। अरे वाह, हाँ पहले फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रॉकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ विहान को खिला दो पापा सबसे पहले। विहान की बार बार बिस्किट पे ध्यान जा रहा है, एक बार इसको खिला दो हल्का सा YouTube फैमिली की तरफ से पापा के। कोई नहीं साफ कर लेना पापा हैं, खिला दो एक बार विहान को। इससे कर लो विहान का देखना मुंह भर गया एकदम केक से। लो खिला दो पापा सबको, कर दो कट। कोई नहीं वैसे हाथ से खिला दो पहले, बहुत बाद में डाल लेंगे प्लेट में। थोड़ा सा काट के अपने हाथ से खिलाओ एक बार सबको। हैप्पी बर्थडे। भाई एक बार निधि को भी खिला दो। हो गया विहान का मुंह भर गया पूरा पापा, फिर खाना नहीं खाएगा ज्यादा भी मत दो एक बार, इसलिए वो मंगा रखा है खाने की चीजें। तो ये फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं विहान के लिए जो मंगाए थे, इसमें थोड़ी सी केचप डाल देता हूँ, ये खा लेता है साथ के साथ। तो इसको ठंडे करके खिला देना थोड़े से ना, अभी ये खा लेगा। केक सारा इक्वली डिवाइड कर चुका हूँ गाइस, और ये वाला केक जो है ना ये पीस आपके लिए है, मेरी YouTube फैमिली के लिए, पापा की YouTube फैमिली के लिए। तो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी का। जाओ जल्दी पापा क्या खाओगे ऑर्डर दे देते हैं एक बार। मसाला डोसा ही ठीक है नहीं, तू एक बार देख ले क्या खाना है, इतने मैं बोल देता हूँ। एक मसाला डोसा कर देना, एक आप हाका नूडल कर देना थोड़ी स्पाइसी, और एक मिनी थाली कर देना, एक स्पेशल थाली कर देना। पापा का डोसा आ चुका है, पापा ने डोसा ऑर्डर किया था और यहाँ पे हाका नूडल भी आ चुकी है। एक बार ना यार साइड में कर देता हूँ, ये विहान को दवाई देनी पड़ेगी, बहुत ड्रामे करता है यार ये दवाई लेने से पहले। दे दो पापा एक बार दवाई, दे दो इसको। ओ विहान क्लैपिंग विहान, एक बार देख यार दवाई लेगा ना, दवाई लेते हुए बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, एक बार ये दवाई ले ले फिर एक बार करते हैं शुरू। विहान ले 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 बेटा, बड़ा मुश्किल है यार इसको दवाई पिलाना सीरियसली, देखना अब देखना आप मुँह खोलेगा। खोल लिया खोल लिया खोल लिया, गई 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 दवाई विहान। तो गाइस हो गया मिशन कंप्लीट, हो गया एक डोज तो गई विहान की।
अब सारे क्लैपिंग कर दो, ये खुश हो जाएगा एक बार। ओए ले ली विहान ने, खुश हो रहा है आपके हाथ जैसे। अब खिला देंगे इसको, इसको खिलाना पापा कुछ थोड़ा बहुत, अगर कुछ खाता हो डोसा तो मत देना एक बार, कुछ और आ रही है थाली आ रही है उसमें से कुछ खा लेगा। अभी ले आए, ये कौन सी अभी मिनी थाली है स्पेशल थाली? ये मिनी थाली और ये स्पेशल थाली। अरे वाह स्पेशल थाली भी आ गई, टाइम भी आ गई। स्पेशल थाली यहाँ रख दो और मिनी थाली ये है, मिनी थाली यहाँ पे दे देते हैं। चटनी भी ले आई हैं, अब जल्दी से खाना वाना शुरू करते हैं। कैसा है पापा ये, ठीक लग रहा है डोसा? ठीक है चलो अच्छा है, पसंद आ गया पापा को। और ध्यान देखना वो प्याज भी खा रहा है, रोटियाँ खा रहा है ना ये थोड़ा बहुत? रोटी नहीं खा रहा हूँ, ओनियन खा रहा है मेरे ख्याल से। मैंने मंगाई थी स्पेशल थाली, उसमें आती है दही आती है, रायता आता है, दाल मखनी, मिक्स वेज, शाही पनीर, थोड़े से राइस आते हैं, तीन रोटी आते हैं, तंदूरी या फिर तवे की। तो अभी खाते हैं, खाना शुरू कर लेते हैं। और विहान भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं। विहान के लिए शेक ऑर्डर कर दिया है, इसमें थोड़ा दूध वगैरह होता है तो जो भी जाए इसके पेट में ठीक है, अच्छा है, दूध वगैरह पी लेगा इस बहाने का। बट ये पी नहीं रहा, इसका ध्यान ना बार बार मेरी कोक पे है, मैंने कोक मंगाई थी अपने लिए, देखना कोक चाहिए इसको, शेक नहीं चाहिए, बट इसको बेवकूफ बना के पिलाना पड़ेगा। अभी पी ले विहान। अब पापा आ गया, पापा पिलाएंगे। ये मैंने दो जगह डाल ली थी लेकिन पापा अभी मना कर रहे हैं तो मैं ही पी लेता हूँ एक बार। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली है और खाना सबका हो चुका है, बस टाइम पास चल रहा है। यहाँ पे विहान कर रहे हैं, रैली बेटा दियो नानू को देखना। अब यहाँ पे टाइम पास चल रहा है तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अपना बिल आ चुका है और बिल आया ऑलमोस्ट 1100 है, ये मैं ऊपर गूगल पे ही कर दूंगा। विहान देखना डाल के क्या आया था और जा किस में रहा है। विहान की ड्रेस भी चेंज हो गई इतनी जल्दी, चढ़ गया। ओ बेटे ओ शाबाश, हुई तो बस 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 चढ़ गया। आ जा आ जा, कुछ लेना है क्या पापा? और लेना है कुछ आइसक्रीम वगैरह? नहीं, बिल पे कर देता हूँ। ये ऑनलाइन करने थे गूगल पे? हाँ जी करवा लीजिए। ठीक हो गया, चेक कर लिया आपने? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी खाना वाना हो चुका है और अभी रोड पे घूम रहे हैं क्योंकि काफ़ी हैवी हो गया यार खाना खाने के बाद। और आप सोच रहे होंगे ना कोई मिसिंग है, कोई है नहीं साथ में, तो उसका रीज़न मतलब आपको बता देता हूँ, मम्मी नहीं है साथ में। तो उसका रीज़न मैं आपको घर जाके बताता हूँ क्यों नहीं है मम्मी साथ में। अब जल्दी से चल पड़ते हैं यार क्योंकि विहान को भी ना दवाई तो दे दी थी, विहान को अब नींद आ रही है, इसको सोने का टाइम हो गया, चलते हैं बस जल्दी। चल ठीक है विहान, नींद आ रही है तेरे को? इसको भी नींद आ रही होगी ना, आप जाते ही सो जाएगा, दवाई ले रखी है, दवाई का भी थोड़ा सा असर है। ठीक है पापा कल देखते हैं, कल आपको कहीं लेके चलूंगा, कल आपके लिए सरप्राइज है। लो पापा एक काम करो, एक केक ले लो, मम्मी को खिला देना, और रुको प्रसाद भी देता हूँ एक बार, रुक जो विहान को भी खिला देना, मम्मी को भी दे देना। ठीक है पापा गुड नाइट, हाँ बाय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बाय। गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैंने एंटर किया है घर में। अभी मैं आपको बता देता हूँ मम्मी हमारे साथ क्यों नहीं गए, हम तीन लोग ही क्यों गए, उसका एक रीजन है। अभी जैसे आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो कल पता है क्या हुआ था, कल मैंने मम्मी को देखा शाम के टाइम, मम्मी सोसाइटी में घूम रहे थे और मतलब घूम रहे थे मतलब परेशान हो रहे थे। तो मैंने उनसे, मैं कहीं जा रहा था, मैंने गाड़ी रोक के मम्मी से पूछ लिया मम्मी कहाँ जा रहे हो, तो मम्मी ने बताया यहाँ पे किसी ने ना कोई होंगे, नोन भी नहीं है कोई, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं, कोई नोन भी नहीं है, किसी ने मम्मी को कोई काम बोला होगा और मम्मी उसके लिए परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उस चीज़ के लिए सिर्फ मैंने मम्मी को मना किया था कि मम्मी आप कोई मीडिएटर नहीं हो, आपको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, किस चीज़ के लिए आप ये काम कर रहे हो, किसी जिसका काम है वो खुद कर लेगा, उस चीज़ के लिए बस मैंने मम्मी को मना किया था। लेकिन पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता था मम्मी उस चीज़ को इतना माइंड में रख लेंगे, मतलब इतने ग्रजेस पैदा कर लेंगे, इतना मन में रख लेंगे। और मैंने सिर्फ उनके हेल्थ को देखते हुए बोला था कि उनको परेशानी ना हो, बट चीज़ें मेरे ही ऊपर आ गई। आपने स्टार्टिंग देखी थी ना इस ब्लॉग की, कितना एनर्जेटिक था, बहुत खुश था, पापा का बर्थडे था तो मैं चाहता था बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा ना, जब पता चला कि मम्मी नहीं जा रहे हैं, मुझे निधि से पता चला, निधि ने मुझे बताया कि मम्मी ने ये बोल दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मतलब मेरे साथ नहीं जाएंगे वो। पता नहीं मुझे एक बार तो लगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, फिर उसके बाद मैं मम्मी को मनाने गया, मम्मी से पूछने गया तो मम्मी एक्सक्यूज देने लगी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन रियलिटी वही थी, रियल रीजन वही था कि हाँ कल वाली बात के लिए वो माइंड कर गए। आप देख लेना इस ब्लॉग को ना स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, आप समझ जाओगे, आपको बहुत सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो आपका सवाल होता है ना कि आप साथ में क्यों नहीं रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते हो, अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो, उसके रीज़न आपको पता चल जाएंगे। आप इस ब्लॉग को बिना स्किप करे पूरा देख लेना, कितना खुश था मैं स्टार्टिंग में, कितना खुश था एंड यहाँ आके हुआ है, एंड कैसा हुआ है। और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करने वाला था, पर निधि और पापा ने रिक्वेस्ट करी तो मैंने बस आपके लिए एक ब्लॉग ले आया था, क्योंकि आप यूट्यूब फैमिली हो, आपके सामने रखना चाहता है पापा का सेलिब्रेशन। आई होप आपको कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हों। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग का, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पता नहीं ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी हैप्पीनेस के साथ किसी और वीडियो में, बाय।